नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने 8 साल पहले जब वनडे में डबल सेंचुरी लगाई तो उसके बाद से डबल सेंचुरी की झड़ी सी लगी। इस स्पेशल क्लब में शामिल 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले रोहित शर्मा, क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल, वीरेंद्र सहवाग के बाद अब एक और नाम जुड़ गया है, एमिलिया केर का। न्यूजीलैंड वुमेन टीम की इस बल्लेबाज ने 13 जून को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में नाबाद 232 रनों की पारी खेली। 145 गेंदों पर डबल सेंचुरी जड़ने वाली एमिलिया केर ने अपनी पारी में 31 चौके और 2 छक्के जड़े। टीम की ओपनर बल्लेबाज एमिलिया केर वनडे के इतिहास में डबल सेंचुरी जड़ने वाली 9वीं बल्लेबाज बन गई हैं। महज 17 साल 243 दिनों की उम्र में इंटरनेशनल डबल सेंचुरी जड़ने वाली एमिलिया वनडे इतिहास की सबसे युवा बल्लेबाज बन गई हैं। वुमेन क्रिकेट में उनसे पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिलिंडा क्लार्क ने ही डबल सेंचुरी जड़ी थी। उन्होंने डेनमार्क वुमेन टीम के खिलाफ नाबाद 229 रनों की पारी खेली थी। ओवरऑल वनडे में फिलहाल अगर डबल सेंचुरी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात करें तो वो रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे। वहीं मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच प्लेयर एमिलिया केर ने धुआंधार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी जलवा दिखाया। उनकी घूमती गेंदों पर आयरलैंड की टीम घूमती नजर आई। एमिलिया केर ने 7 ओवर में महज 17 रन देकर 5 विकेट झटके। 3 विकेट पर 440 रनों के पहाड़ से लक्ष्य का पीछा कर रही आयरलैंड की टीम 44 ओवर में महज 135 रनों पर ही ढेर हो गई और यह मैच न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड 305 रनों की जीत के साथ अपने नाम किया।